आप सोचते होंगे डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता की हेल्प करने आया है, लेकिन वो असल में किसी दूसरे ही काम से आया है। शिनशान में आपने सबके पेरेंट्स देखे होंगे, लेकिन गो के पेरेंट्स को एक डरावने रीजन की वजह से कभी टीवी में दिखाया ही नहीं गया, और वो कौन सा रीजन है आपको वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को 3 गिनने तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार। 1, 2, 3 आपने ये कर दिया तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 डोरेमोन। ये तो हम सबका फेवरेट चाइल्डहुड कार्टून है और इसके भी कई सारे सीक्रेट है। जैसे सबसे पहले हमें लगता है कि डोरेमोन नोबिता की मदद करने 21वीं सदी में आया था, और ये बात सच भी है। लेकिन इसी के साथ डोरेमोन खुद की मदद करने भी आया था। एक थ्योरी के हिसाब से डोरेमोन डिटेक्टिव है और इसीलिए उसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था, और इसीलिए वो टाइम में पीछे चला गया, वरना तो हर कोई टाइम में पीछे जाकर अपने एंसेस्टर्स को रोबोट दे ही देता। और शिवासी ये इसलिए भी कर पाया क्योंकि रोबोट बनाने की फैक्ट्री खुद नोबिता की है। कई लोग मानते हैं आगे जाकर नोबिता एक रोबोटिक्स इंजीनियर बनता है, और शायद ये कंपनी उसी की है। और यार जैसे कि फैक्ट्री में सब येलो रोबोट रहते हैं, तो डोरेमोन ब्लू क्यों है? क्योंकि जब एक बार माउस डोरेमोन का कान काट लेता है तो डॉक्टर उसके कान को ही निकाल देते हैं, और इस सरप्राइज से जब वो खुद को आईने में देखता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है शॉक की वजह से। वैसे कि आपको पता है नोबिता जियान और सुनियो फ्यूचर में क्या बनते हैं? नोबिता तो रोबोटिक्स इंजीनियर बनता है, वही जियान जो है वो एक बिजनेसमैन बनता है, और सुनियो जो है वो एक अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलता है। और आखिर में नोबिता की शादी किससे होती है? वैसे ओरिजिनल टाइमलाइन में तो जेको से शादी होती है, पर डोरेमोन उसकी मदद करके टाइमलाइन बदल देता है और शिजुका से शादी करवाता है, और हाँ उनका ग्रैंडसन शिवा से ही होता है। नंबर 5 शिनचान। शिनचान कार्टून की एक मिस्ट्री है कि इसमें बो के जो कैरेक्टर है उसके मम्मी पापा कभी भी नहीं दिखाए गए। कि आपने ये वाली फोटो शायद कभी पहले देखी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये रियल फोटो नहीं है बल्कि एक फैन मेड फोटो है, और इसीलिए कई लोगों को लगता है कि इसके पेरेंट्स शायद मर गए हैं। पर ऐसा नहीं है, ये शिनचान के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, और मांगा जो है उसमें बो के मम्मी को दिखाया भी गया है, जो कि ये है। पर एनिमे में नहीं दिखाया गया क्योंकि उन्हें दिखाने का कोई रीजन ही नहीं है। जितने ज्यादा कैरेक्टर्स दिखाएंगे उतने ज्यादा कैरेक्टर्स मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और शायद यही रीजन है कि बहुत लोगों को भी नहीं दिखाया गया। दरअसल मांगा में ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे और ये टाइम मशीन जैसी चीजें भी बनाते थे, पर इन्हें एनिमे में ऐड नहीं किया गया क्योंकि शायद ये थोड़ा बहुत डोरेमोन की तरह हो जाता। और लास्टली शायद इस चीज को आपने नोटिस किया हो, लेकिन शिनचान का चेहरा कभी भी सामने से हंसता हुआ नहीं दिखाया गया, हमेशा साइड से ही दिखाया जाता है, और अगर फ्रंट में है भी तो वो किसी न किसी चीज से ढक दिया जाता है। शायद बस एक आध बार इसे दिखाया गया था इस फोटो में, जो कि लोगों को काफी क्रीपी लगा था। आपको पता होगा आरसीबी टीम ने एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन मजे की बात बताऊं, जब उनकी मैच होती है तब सबसे ज्यादा लोग स्टेडियम में उन्हीं की मैच को देखने आते हैं। इससे आप इमेजिन करो कि आरसीबी का ट्रॉफी ना जीतने के बाद भी कितना क्रेज है। और सीएसके के बारे में गजब बात यह है कि सीएसके रॉक्स बोथ ऑन द फील्ड और ऑनलाइन भी। अप्रैल 2023 में उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैन इंटरेक्शन में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे सोशल मीडिया जायंट्स को भी पीछे छोड़ दिया था। वैसे ये क्रिकेट का बुखार आ गया, मैं तो अपनी फेवरेट टीम्स की मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बट असली एक्शन स्पोर्टिको पे है, स्पोर्टिको जहाँ खेल ऑन है और ट्रेड भी ऑन है। आपकी क्रिकेट नॉलेज आपको असली कैश प्राइज जिता सकती है। स्पोर्टिको ऐप को डाउनलोड करो और साइन अप करो। साइन अप करते ही आपको 100 रुपए इंस्टेंट बोनस मिलेगा, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप प्लेयर परफॉर्मेंसेस के ऊपर बहुत बड़ा जीत सकते हो। ये फैंटेसी क्रिकेट है बस असली रिवॉर्ड्स के साथ। इसमें विड्रॉल्स मिलेगा विद नो जीएसटी। प्लेस के पोर्टफोलियो को आप खुद भी क्यूरेट कर सकते हो, और ये 100% लीगल और सेफ है। तो देर किस बात की, अपने क्रिकेट के पैशन को रिवॉर्ड्स में बदलो। आईपीएल के साथ अपने लिए कैश रिवॉर्ड्स जीतो और दुगना मजा करो। खेल ऑन ट्रेड ऑन। नंबर 4 स्पंजबॉब। यार स्पंजबॉब की सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है कि क्रैबी पैटी कैसे बनती है और उसका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है, और शो में तो हमें कभी नहीं बताया। लेकिन इंटरनेट के लोग शांत थोड़ी बैठने वाले हैं, उन्होंने कई सारी रिसर्च करके पूरी क्रैबी पैटी का रेसिपी ढूंढ लिया। पर जब उसके स्पेशल फॉर्मूला की बात आई तो कई लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्रैब ने जानबूझकर बनाया था ताकि प्लैंकटन अपने रेस्टोरेंट पर ध्यान ना दे सके और इस फॉर्मूला को चुराने में ही बिजी रहे। और लोगों का कहना है कि एक्चुअली में किंग नेपच्यून का पोसाइडन पाउडर है, जो कि एक शो में मेंशन हुआ था। पर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो एक्चुअल सीक्रेट फॉर्मूला है वो है प्लैंकटन। हाँ आपने सही सुना, वैसे तो ओशन में बहुत ज्यादा प्लैंकटन होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से जितने स्टार नहीं है उससे ज्यादा प्लैंकटन है, पर शो में हमें एक या दो प्लैंकटन ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए कई लोग मानते हैं कि क्रैबी पैटी बनाने में प्लैंकटन यूज होता है, और इसीलिए मिस्टर क्रैब इस चीज को प्लैंकटन से छुपा के रखते हैं। जैसे कि आपको और एक बात पता है, कई लोग मानते हैं बिकनी बॉटम में जो भी कैरेक्टर है वो रेडियो एक्टिव कैरेक्टर है। एक्चुअल में रियल लाइफ में बिकनी आइलैंड एक जगह थी जहाँ
जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी और वो आइलैंड पर अभी भी कोई नहीं रह सकता। तो कई लोग मानते हैं कि बिकनी बॉटम उसके नीचे है और शो के मेकर ने कुछ ऐसा ही बनाया है कि सारे जो कैरेक्टर हैं वो रेडियो एक्टिव होने की वजह से म्यूटेटेड हैं और बात कर सकते हैं, लेकिन ये बस एक थियोरी है। नंबर 3 बेंटन ये हम सबका हीरो है। इसके भी कई सीक्रेट्स और हिडन फैक्ट्स हैं, जैसे कि विल गैक्स जो है उसे 10 वर्ल्ड जीतने में 5 साल लगे थे। विल गैक्स हमें क्लासिक बेंटन के एंड में दिखता है और उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन में दिखता है तब कुछ 5 साल गुजर जाते हैं और इन 5 साल में बेंटन अपनी वॉच को नहीं पहनता है। और उसके बाद जब विल गैक्स वापस आता है वर्ल्ड को कॉन्कर करके तब वो फिर से वॉच पहन लेता है। बेंटन के काफी सारे इंटरेस्टिंग एलियंस हैं और दो काफी सिमिलर हैं, फास्ट ट्रैक और XLR8। और एक्चुअली में XLR8 को रिप्लेस करके फास्ट ट्रैक को लाया था। और कई लोग सोचते हैं कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो इसके राइटर ने खुद बताया है कि फास्ट ट्रैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फास्ट ट्रैक XLR8 के मुकाबले। और ऊपर से पूरे शो में ये भी नहीं दिखाया कि इस एलियन का DNA कब लिया गया था। कई लोग मानते हैं कि ये फ्यूचर से आए बड़े वाले बेंटन ने कलेक्ट किया था। अब बेंटन अल्टीमेट में अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को कैसे भूल सकते हैं, ये सबके फेवरेट एलियन में से एक है। और क्या आपको पता है अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर जो गन फायर करता है वो एक्चुअली में कोई बुलेट नहीं है बल्कि वो उसके बोन का फ्रैक्चर होता है, यानी कि ये सामने वाले ओपोनेंट पर अपनी हड्डियां फेंक के मारता है। अब बात करते हैं बेन की कजन ग्वेन के बारे में, जो कि पहले इसकी कजन होने भी नहीं वाली थी बल्कि ये इसकी क्लासमेट होने वाली थी। और ओरिजिनल स्टोरी लाइन के हिसाब से तो ग्वेन रोड ट्रिप पर नहीं आने वाली थी बल्कि फ्यूचर के एपिसोड्स में आने वाली थी, पर फिर इन सारी चीजों को चेंज करके इसे बेन की कजन बनाया गया और फिर ग्रैंडपा ने फोर्स करके इसे अपने साथ रोड ट्रिप पर आने कहा। वैसे केविन की कूल कॉल तो हम सबको याद है, इतना भी डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी ये एकदम सही सलामत रहती थी। और इसका रीजन ये है कि इसका इंजन इसके फोर आर्म्स की स्पीसीज ने बनाया है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में सबसे अच्छा इंजन बनाता है और यहाँ तक कि वॉच के क्रिएटर ग्रे मैटर से भी अच्छा। और इसी वजह से कार कितनी भी डैमेज हो जाए इसका इंजन सही रहता है और इसीलिए ये आसानी से फिक्स हो जाती है। नंबर 2 सिम्पसन, ये कार्टून फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, ये बात आपको पता होगी, और इसी चीज के लिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे सीक्रेट हैं और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि लोगों को नहीं पता। जैसे इसमें ट्रॉय और लीनियल नाम के 2 कैरेक्टर थे जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर थे और लोगों को इन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा भी आता था, लेकिन ये दोनों अचानक से गायब हो गए और कभी वापस ही नहीं दिखे। और इसका रीजन ये था कि इन कैरेक्टर्स का जो वॉइस डब करता था उसका एक्चुअली में मर्डर हो गया था। वो भी ये मर्डर उसकी ही पत्नी ने किया था नशे करने के बाद, और उसके बाद उसने खुद की जान भी ली थी। और बिल्कुल इन दोनों की तरह क्रस्टी नाम का एक कैरेक्टर है जो कि सेम टू सेम होमर की तरह दिखता था। और इसको निकालने का रीजन ये है कि पहले के राइटर भी इन दोनों को सेम ही बनाने वाले थे, यानी कि ये उसकी ऑल्टर ईगो है। वैसे क्या आपको पता है होमर और लीसा का एक्चुअल में ईमेल एड्रेस भी है जो कि आपको इनके विकिपीडिया से आराम से मिल जाएगा। और पहले अगर आप इन पर ईमेल करते थे तो आपको रिप्लाई भी आते थे, बट अब ईमेल ना करना ही बेहतर है क्योंकि इन ईमेल को हैक कर लिया गया था और अब हैकर इसे यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि इसमें सारे कैरेक्टर येलो गए हैं? दरअसल इसके मेकर को एक एनिमेटर ने अपनी आर्ट दिखाई थी जिसमें सब ब्राइट येलो कलर के थे और ये इस शो के मेकर को काफी अच्छा लगा। वैसे इस आर्ट में सारे ट्रीज पर्पल कलर के थे और ये सारे ट्रीज को पर्पल ही करने वाले थे, पर फिर इन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। नंबर 1 पोकेमोन, अगर पोकेमोन की मिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत सारा बड़ी है, लेकिन आज हम आपको कंप्लीट मिस्ट्री नहीं बल्कि कुछ कुछ सेगमेंट बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले पोकेमोन के जेंडर, पोकेमोन कौन से जेंडर का है, ये यूजुअली 2 तरीके से पता चलता है। एक तो उनके कलर, मेल और फीमेल पोकेमोन के कलर्स में कुछ पोकेमोन में फर्क होता है। जैसे कि नीडो क्वीन और नीडो किंग पर कुछ पोकेमोन के जेंडर उनके टेल से पता चलते हैं। जैसे कि जो फीमेल पिकाचू होती है उनके टेल पर हार्ड बना होता है और मेल का टेल स्ट्रेट होता है। उसके बाद हम जो पोकेमोन देखते हैं वो काफी ज्यादा सिंपल लगता है, पर एक्चुअली में पोकेमोन काफी ज्यादा डार्क है। अगर आप पोकेमोन के एडवेंचर मांगा पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें काफी ज्यादा डार्क इमेज है। जैसे कि पोकेमोन को कई बार फाइट के बीच में काटा हुआ दिखाया जाता है जिसमें ब्लड भी होता है। और एक बार जियोवानी ने एक पोकेमोन को एकदम बर्फ में जमा कर दिया था और उसके बाद बर्फ को तोड़ दिया था जिससे वो पोकेमोन टुकड़ों में टूट गया और इसकी जान चली गई। और ऐसी कई सारी चीजें पोकेमोन के मांगा में है, पर एनिमे में इसे बच्चों के लिए बनाया गया है तो इन सबको हटा दिया गया। अब बात करते हैं सबसे पहले पोकेमोन की, तो अगर आप पोकेडॉक्स की बात करें तो सबसे पहला पोकेमोन बुलबसार होता है और ड्रॉ करते समय सबसे पहला पोकेमोन राइडन को बनाया गया था और इसलिए गेम में कहीं पर भी पिलर होता है तो उसके ऊपर राइडन बनाओ यार। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि आपने यहाँ तक देखी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।